Assalamualaikum, तमाम शुभ हेयर वाले एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम आए हैं कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में। सही है, पिछली बार हुआ था CPC लाहौर में और अभी ये हो रहा है इस्लामाबाद में। सही है, तो आज हम इवेंट को कवर कर रहे हैं। एज़ यूजुअल कैमरे के बारे में बताना भी ज़रूरी है। तो आज जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है सोनी A7 IV। सही है, तो इसके ऊपर मैंने अपना लेंस लगाया हुआ है चप्पने में, जो कि मेरा अपने कैमरे वाला है सोनी A64 का। तो अभी आज इसका रिजल्ट चेक करेंगे और मैं मैनुअल में शूट करूँगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं 120 FPS के साथ एज़ यूजुअल। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आज कनेक्टेड वुमेन कॉन्फ्रेंस 2022 में मैं मंसूर कैसरानी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मैं आज यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ। यहाँ पे सलमान अवज़ई भी मौजूद है। सलमान अवज़ई पाकिस्तान के एक मारूफ मशहूर व्लॉगर है। सलमान अवज़ई व्लॉगिंग के साथ साथ एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी है और पाकिस्तान में कई बेहतरीन मनाजर की अक्स बंदी और तस्वीर कुशी करने में महारत रखते हैं और महारत बकमाल रखते हैं। और आप सबको सोशल मीडिया पर अपनी फोटोग्राफी स्किल्स के ज़रिए तफरी तब महफूज करते रहते हैं। मैं इनके लिए वेल विशेज और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच यार, मैंने आपसे उर्दू सीखनी है, मुझे उर्दू आती नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ खाना चाहते हैं दे दिया। सेकंड रो से स्टार्ट हो गया, इधर से इस साइड से। हां इस साइड, फाइनली इस साइड स्टार्टिंग से हो गया। अंकल सबको दे दिए। हां नहीं, वो कुछ जिन्होंने खाना था खा लिया। भैया बड़ा सा बदी। फाइनली हमने केक काट लिया, हमने केक आपके साथ टच हुआ होगा। बहुत ज्यादा, बस आराम आराम से सबको दे दो। आप रिकॉर्ड कर लो। किसने कितना करा? बिफोर एंड आफ्टर करना चाहिए था। अच्छा, आपको नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं करना चाहिए था ना? आप क्यों और मोटे हो जाओगे सर? हाँ ना, अगर आप इसे ना बनाया तो मैं क्या करूँ? क्या क्या हो गया जी? मुझे देखो कितना पसंद। तो आप खा लेना बगैर किसी टेंशन के, पूरा भी खा ले। हाँ, आपको कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे पता है। हाँ लेकिन काली भी को ना, लेकिन अभी इसका हो जाएगा। और मुझे एक नहीं दो दो प्योरजेट किस्म की देखना, देख रहे दो दो टेस्ट। वाह वाह वाह, अभी इसको साफ करना है। हमारा ऑलमोस्ट इवेंट हो गया है। सही है, केक हमने काट लिया, बहुत अच्छे लोगों से मिले हम सुपरस्टार। सही है, अजबर सर ने हमारी तारीफ की कि भैया तू कैसा एडिट करता है, इधर थोड़ा ज़्यादा आ रहे, तू कैसा एडिट करते है, तू ये करते है, तू वो करते है ना। तो बस अभी थोड़ा सा 1 मिलियन कर दे मेरा। चाहिए, मैं इन लोगों के बीच केक काटना चाहता हूँ। तो बस थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और समझ रहे हो।
हाँ भैया। हाँ जी भाई, तो सीन कुछ ऐसा है कि हरीगढ़ के ऊपर ये भाई सब यहाँ पर रहते हैं और कैमरा में काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग बड़ी अच्छी करी है, अच्छी सीखी है, ये खुद से सीखी है मैंने, अंकित भाटिया से। हाँ, तो इधर इधर मोड़े जी इनको। अच्छा, अभी हम मिले हैं द वन एंड ओनली अस्मान सर से, तो कैसे आप सर? 100K ऐसा खतरनाक लगता है ना एक बंदा वीडियो में, लगता है कि बस शाहरुख खान के बाद इसी का नंबर है और अब ये जो है ना किसी ना किसी कमर्शियल में नजर आएगा। ये फिल्टर का नाम है, मेहनत है, क्या ऐसी बात क्या है, वीडियो एडिटिंग की बस कमाल है थोड़ी सी, कलर ग्रेडिंग, इसको इस कला को कहते हैं कलर ग्रेडिंग। ये कैमरा, हाँ कैमरा भी मैटर करता है, लेकिन कैमरे के बाद जो आती है ना वो एडिटिंग आती है, यानी कि इसमें जब वीडियो बन रही है इसमें आप अपने आप को निकाल के पेश करो, हमें आम आदमी बता दोगे आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो ओवरऑल प्रेम कलर ग्रेड होती है, ऐसी नहीं कि मैं अच्छा लगूंगा आप अच्छी नहीं लगेंगे, हम सारे इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे, चले देखते हैं। ये तो वैसे ही, बस मुझे थोड़ा शॉर्ट आउट दे दे सर। यार ऐसे बोल रहा होता है बंदा, किसी का डायलॉग होता है और लगता है ऐसे है कि जैसे किसने क्रिएट किया और कमाल की स्किल है, तो बस ये रुकने वाला नहीं भाई, जल्दी से चलते हैं, चलते की सिफारिश करा, उसके बाद ये हाथ नहीं आएगा। थैंक यू सर। तो हाँ भैया, मैं फिर से आ गया हूँ और सोनी A7 IV का मैं कुछ बताता चलूँ। बैटरी इसकी पुल मस्त है भैया, इवन का तो खैर हम बता देंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक कैमरों का है, तो मैं फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहा हूँ, ये यूजुअली ऑफिस में होता है, तो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, सही है, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैनुअल में थोड़ा मतलब बाहर जाते हो तो ISO कम करना है, अगर अंदर आते हो तो ISO ज़्यादा करना है, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है, पता नहीं अब मुझे नहीं पता, इसकी बैटरी खुद गर्म हो जाती है और बंद हो जाती है, अभी तक ये दो मसले मेरे को पेश आए हैं आज, तो देखते हैं, आई होप कि और मसले ना आए। और अभी मेरे को बाथरूम दिखाना है आप लोगों को एज़ यूजुअल। हाँ भैया, इवन एंड हो गया, अभी हम जा रहे हैं वापस और सर जा रहे हैं दुबई, तो अभी देखते हैं कि हम एयरपोर्ट जाते हैं या नहीं। हाँ सर, कहाँ जा रहे हो? इस वक्त मैं इंतहाई खुशी के साथ है पाकिस्तान से भाग रहा हूँ। ये लोग कह रहे थे कि आप खफा होंगे, परेशान होंगे, कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ और फिर वापस आ जाऊँगा, तो दो हफ्ते का एक छोटा सा ट्रिप है और इंशाल्लाह वहाँ पे एक टूर की लॉन्चिंग होने जा रही है, जिस तरह के मैंने इस व्लॉग में बताया भी था, तो वो टाइम आ चुका है, जुदाई का टाइम होना नहीं है, तो जुदाई का टाइम जो है वो आ चुका है, बट वहाँ पे मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, पार्टनर वेट कर रहे हैं, तो बस अब जाते हैं, प्रोसीजर से गुजरते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होगा। तो हाँ भैया, अभी हम आए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में और सर को हम अलविदा कहने आए हैं, तो आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, सही है? सही है, सही है, सही है, सही है। कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं बस दुबई जा रहे हैं, हम सारे जा रहे हैं, लेकिन हम सर इमिग्रेशन तक जाएंगे फिर हम वापस आएंगे, हम सर दुबई का जहाज देखेंगे, सर को छोड़ने जा रहे हैं, तो बस इंशाल्लाह ठीक। अभी हम आरजे के साथ प्रैंक कर रहे हैं, सही है, तो सब बदराएंगे।
अभी हम आज के साथ प्रैंक कर रहे हैं, हम भाग रहे गाड़ी के पीछे, बस गाड़ी के पीछे नहीं, हाँ हम बेसमेंट में जा रहे हैं, बस सही है ना, किधर भी जाए। हाँ लाइटिंग कश्ती माड़ा दी दिनों की यार हमें कश्ता नहीं हो अक्सर दी देखी लाइट हटी देती वो जमी अभी हम आरजे के साथ प्रैंक कर रहे हैं आरजे के साथ हम प्रैंक कर रहे थे लेकिन हम प्रैंक में नाकाम हो गए अभी और बनाएंगे स्लो मोशन ये है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट लोगों से भरा हुआ है जमे गाफिर है और सारे लोग जा रहे दुबई और मैंने सर को कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम भी आपके साथ जाएंगे तो अभी बस 1 मिलियन करा दे और ब्लॉग इधर एंड करते हैं फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में अभी हमने स्लो मोशन वगैरह पिक्चर वगैरह बनानी है तो सी यू ये मैं हूँ और ये मेरे दोस्त हैं और हम पहली बार आए हैं और हम पहली बार रिपोर्ट आए हैं और जो क्या कहना है इनके वजह से मैं ये कहूँगा कि ये कोट जितने भी हमने जैकेट पहनी है लंडन में 800 से महंगी नहीं होगी जो भी स्लो मोशन आप देखेंगे वो लंडे की लंडे की कोट पहनी और ये कह वीडियो ऐसी बनाओ ताकि पता लगे हम दुबई से वापस आए मेरा कोट है ना ये कराए का नहीं है मेरा अपना है फरहतुल्लाह से हां फरहतुल्लाह हेलो हाउ आर यू शी आर रवान दे नाज़ शी दे तो अभी हम जाने लगे हैं वापस सही है सर को हमने अलविदा कह दिया अभी हमारे साथ है रहमतुल्लाह फरहतुल्लाह फरहतुल्लाह और अभी हम वापस जा रहे हैं बस अभी आपने व्लॉग को इधर एंड करना है कि लाइक करो शेयर सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया है कुछ खाया पिया नहीं है तो अभी कुछ का इवेंट चल रहा था बहुत बकवास इवेंट चल गया हमारा बकवास हो गया था तो बस अभी जा रहे कुछ खाने के लिए और खाने के लिए बैठ गए हो आरजे मक्की के नहीं मुंह बचाते की नुरा सही है सही है बस गुड नाइट ओके बाय सी यू आरजे मक्की के नो जवना था हराशा बांधे कतार दे बन जश्न दे महबूबा गुलदा अनार दे तो बिना मीना अनमीना मीना मीना तो हां भैया अभी हम आए हैं एयरपोर्ट से अभी हम क्या कहेंगे क्या खिलाओगे आप लोग अभी बस देखते हैं कुछ दाल पेटी देखते हैं जो भी होगा किस्मत गरीबी का डालेंगे हाँ गरीबी वाला टमाटर रोटी भिंडे गाजर जो भी मिल जाए ना बस खा लेंगे अभी तकरीबन रात के 11:30 बज गए तो अभी खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं सर ना 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 नूम लकड़ा वो भी चाहते नहीं चाहिए बस फिर आरजे के साथ होंगी तो अभी खाने के लिए कुछ देखते हैं और लाइट इधर भी अच्छी आ रही है सही है हाँ बराबर रोहिजम सीधा तू मा तू नहीं सीधा जोर से जम तू नहीं समाता सीधा गेट खोला होना कौन सा इंटरनेशनल सामने हां हमो फ्लैश आओ महा मक्सीदे सीधा सीधा